Hello friends, today we'll study about group definition and types. यानी कि आज हम पढ़ेंगे समूह, उसकी परिभाषा और प्रकार. Now let us define what a group is. The definition of group is an organized unit of two or more individuals who are interacting and interdependent, who have common motive, have a set of role relationships among its members and have norms that regulate the behavior of its members. दिस मीन्स, इसको एक बार हम परिभाषा को एक बार हिंदी पढ़ लेते हैं. एक समूह को दो या दो से अधिक व्यक्तियों की एक संगठित व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो एक दूसरे से अंतक्रिया करते हैं और परस्पर निर्भर होते हैं, जिनके पास एक जैसी अभिप्रेरणाएँ होती हैं, सदस्यों के बीच भूमिका संबंधों का एक सेट होता है और सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करने वाले मानक होते हैं. साधारण सी भाषा में अगर आपको बताएं तो एक समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक यूनिट होती है, एक इकाई होती है, जिसमें मुख्य रूप से वो एक दूसरे के साथ अंतक्रिया करते हैं, बातचीत करते हैं, परस्पर लेन देन करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, साथ साथ में कुछ नियमों से वो बंधे होते हैं और उनका एक साझा मोटिव या गोल होता है. ऐसी कोई व्यवस्था होती है तो उसे हम समूह कहते हैं. यही एक समूह की छोटी सी परिभाषा है. इसको थोड़ा इजी डिफाइन करने के लिए मैंने नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाया है. ग्रुप इज ए सोशल यूनिट विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर पर्सन्स विथ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. द फर्स्ट इज मेंबरशिप, म्यूचुअल इंट्रैक्शन, कॉमन गोल्स एंड मोटिव्स, शेयर्ड नॉर्म्स, इंटरडिपेंडेंसी एंड ज्वाइंट एसोसिएशन. एक बार इसको हिंदी में देख लेते हैं. समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों की एक सामाजिक इकाई होती है जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं. आपको केवल एक चीज याद रखनी है, दो से या दो अधिक व्यक्ति हो और वो एक सामाजिक इकाई हो, और उसमें क्या क्या हो, सदस्यता हो, परस्पर अंतक्रिया हो, किसकी, मेंबर्स की, जो सदस्य होते हैं उनकी, साझा लक्ष्य और उद्देश्य हो, वो भी मेंबर्स के हो, साझा मानदंड हो, कोई रूल रेगुलेशन हो, अंतर्निर्भरता, एक दूसरे पर निर्भर हो और संयुक्त साहचर्य हो. ये था डेफिनेशन ऑफ ग्रुप. अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, यानी कि ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं. मुख्य रूप से हम जिन तीन ग्रुप की बात कर रहे हैं, तीन टाइप्स की बात कर रहे हैं, उसी पर हम ध्यान देंगे. वैसे तो ग्रुप बहुत प्रकार के होते हैं. नाउ लेट अस सी द मेन टाइप ऑफ ग्रुप्स आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप. यानी कि समूह के जो प्रकार हैं वो मुख्य रूप से तीन प्रकार के जो नीचे दिए गए हैं, प्राथमिक और द्वितीयक समूह, औपचारिक और अनौपचारिक समूह, अंत समूह और बाहरी समूह. विल डिफाइन दीस टाइप्स ऑफ ग्रुप वन बाई वन. फर्स्ट लेट अस गो फॉर प्राइमरी ग्रुप, द ग्रुप दैट प्री एग्जिस्ट एंड एन इंडिविजुअल बिकम्स द मेंबर ऑफ दैट ग्रुप बाय वर्च्यू ऑफ बर्थ, एग्जाम्पल फैमिली, कास्ट, रिलीजन एक्सेट्रा. द कैरेक्टरिस्टिक देखिए आप इस ग्रुप की, प्राइमरी की, देयर इज अ फेस टू फेस इंटरेक्शन, डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है प्राइमरी ग्रुप में, क्लोज फिजिकल प्रॉक्सिमिटी होती है, एक दूसरे बहुत नजदीक रहते हैं, शेयर वॉर्म इमोशनल बॉन्ड्स, डेवलप वैल्यूज एंड आइडियल्स इन मैनी स्टेज, अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, बाउंड्रीज आर लेस परमिएबल, लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड. यहाँ पर डिफाइन करने की बात है, बाउंड्रीज आर लेस परमिएबल, दैट मीन्स द ग्रुप ऑफ विच अ मेंबर इज कैनॉट लीव दैट ग्रुप वेरी इजिली. फॉर एग्जाम्पल अ फैमिली, दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू लीव अ फैमिली एंड जॉइन अनदर फैमिली. कास्ट, इट इज इन खास इन इंडिया इट इज वेरी डिफिकल्ट, नॉट ओनली डिफिकल्ट, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ अ कास्ट एंड दैट रेस्ट्रिक्शंस आर नोन एज परमिएबिलिटी. मीन्स द परमिएबिलिटी ऑफ द प्राइमरी ग्रुप्स इज वेरी वेरी लेस, दे आर वेरी चांसेस टू जम्प द बाउंड्रीज ऑफ प्राइमरी ग्रुप्स. नाउ इसको एक बार हिंदी में देखिए. प्राथमिक, वह समूह जो पहले से ही विद्यमान रहता है और व्यक्ति जन्म से उस समूह का सदस्य बनता है, ऐसे समूह को प्राथमिक समूह कहा जाता है. जैसे परिवार हो गया, जाति हो गई, धर्म हो गया इत्यादि. इसके अंदर देखिए आप, अधिक परस्पर अंतक्रिया होती है सदस्यों के बीच, घनिष्ठ निकटता पाई जाती है, अंतरंग भावनात्मक संबंध होते हैं, भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, सुख दुख के एक दूसरे के वो साथी होते हैं, जीवन के विकास के शुरुआती चरण में मूल्य और आदर्श का विकास करता है. कौन, प्राथमिक समूह यानी प्राथमिक प्राइमरी ग्रुप. सीमाएं कम पारगम्य होती हैं, यानी कि सीमाओं को लांगना बहुत ही मुश्किल होता है इस समूह के.
और ये समूह जो है लंबी अवधि के लिए रहता है. नाउ लेट अस गो फॉर द सेकंड ग्रुप. ग्रुप अ लार्ज ग्रुप दैट एन इंडिविजुअल जॉइंस बाय चॉइस इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रुप. इसकी वेरी सिंपल डेफिनेशन है, इंडिविजुअल जॉइंस बाय चॉइस एंड ग्रुप स्ट्रक्चर इज लिटिल लार्जर. सो एग्जाम्पल अ पोलिटिकल पार्टी, स्कूल है, कमेटी है, एक्सेट्रा है. इन सेकेंडरी ग्रुप द लेस एंड फ्रीक्वेंट फेस टू फेस इंट्रैक्शन अमंग मेंबर्स, रिलेशनशिप्स आर मोर फॉर्मल, इम्पर्सनल, इनडायरेक्ट एंड लेस फ्रीक्वेंट. देर आर लेस और मिनिमल इमोशनल बॉन्ड्स एंड रोल्स आर इंटरचेंजेबल. देयर कैन रोल्स कैन बी इंटरचेंज्ड. सेकेंडरी ग्रुप के अंदर जो आपकी भूमिकाएं होती हैं वो अदला बदली उनकी की जा सकती है. फॉर एग्जाम्पल इन पोलिटिकल पार्टी टूडे समर इज अ लीडर, देर में द चॉइस ऑफ द पोलिटिकल एक्टिविस्ट मे चेंज एंड दे मे चेंज द लीडरशिप. सो दिस इज द रोल्स आर इंटरचेंजेबल इन सेकेंडरी ग्रुप. एक बार हिंदी में देखिए, एक ऐसा बड़ा समूह जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा से जुड़ता है को द्वितीयक समूह कहा जाता है. उदाहरण के तौर पर देखिए आप राजनीतिक दल, स्कूल इत्यादि, इन समूह में कम परस्पर अंतक्रिया पाई जाती है. संबंध औपचारिक, अव्यक्तिक और अप्रत्यक्ष होते हैं. ना के बराबर भावनात्मक इनमें संबंध पाए जाते हैं और उनकी भूमिकाओं को बदला जा सकता है. नाउ लेट्स गो फॉर द फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप. फॉर्मल ग्रुप द ग्रुप दैट्स आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ सम स्पेसिफिक लॉस और रूल्स एंड हुज फंक्शंस आर एक्सप्लिसिटली स्टेटेड आर कॉल्ड फॉर्मल ग्रुप्स, दैट इज यूनिवर्सिटी, यूनियन एक्सेट्रा. द बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक पॉइंट ऑफ फॉर्मल ग्रुप्स इज दैट दे आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ सम लॉस फॉर्म्ड बाय सम स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड दे हैव सेट ऑब्जेक्टिव्स. फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी, अ कॉलेज, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल ग्रुप्स. नाउ लेट्स गो फॉर द इनफॉर्मल ग्रुप. द ग्रुप विच आर फॉर्म्ड विदाउट एनी लॉ और रूल एंड हैव अ क्लोज रिलेशनशिप अमंग इट्स मेंबर्स आर कॉल्ड इनफॉर्मल ग्रुप्स. फॉर एग्जाम्पल द बेस्ट एग्जाम्पल इज पीयर ग्रुप. इन पीयर ग्रुप देयर आर नो रूल्स, नो रेगुलेशंस. द मेंबर्स ऑफ दैट ग्रुप डू नॉट फॉलो अ सिंगल रूल, नो फॉलो, दे डिडंट फॉलो एनी रेगुलेशंस एंड दे डोंट हैव एनी सिंगल ऑब्जेक्टिव ऑल्सो. सो there are these such groups are called as informal groups. Now let us see these in Hindi. औपचारिक और अनौपचारिक समूह. फॉर्मल को औपचारिक कहते हैं जिन समूह के कार्यों को स्पष्ट रूप से बताया गया होता है और वे कुछ विशिष्ट कानूनों या नियमों के आधार पर गठित किए गए होते हैं, उन्हें हम औपचारिक समूह कहते हैं. उदाहरण के लिए विश्वविद्यालय, कोई भी यूनियन इत्यादि. और अनौपचारिक जिनको हम इनफॉर्मल ग्रुप कहते हैं, समूह जो किसी भी कानून या नियम के बिना गठित होते हैं और जिसमें सदस्यों एवं साथियों के बीच घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं. उदाहरण के लिए परिवार या दोस्ती का समूह. यानी कि ऐसे समूह जिनके अंदर खास बात है कोई रूल नहीं होता. जब दोस्त बनते हैं वो किसी रूल, किसी कानून, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के द्वारा बनाए गए कानून से नहीं बनते हैं. एक जैसे विचार होते हैं, उसको साझा करते हैं और एक पीयर ग्रुप बन जाता है, उनके एक दोस्तों का एक समूह बन जाता है. और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता उनका. देयर इज नो फिक्स ऑब्जेक्टिव कि हमें ये ऑब्जेक्टिव ही करना है. दिस मीन्स सच ग्रुप्स, ऐसे ऐसे समूह को हम अनौपचारिक समूह कहते हैं. नाउ नेक्स्ट इज इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप. आपको बता दूं मैं, दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन ग्रुप्स दैट इज इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप इज मेड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ए ग्रुप मेंबर. मीन्स अ मेंबर, एन इंडिविजुअल इज अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप एंड दैट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव दिस डिस्टिंक्शन इज मेड. मीन्स देर इज अ डिविजन बिटवीन इन ग्रुप एंड ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ द परसेप्शन ऑफ द ग्रुप मेंबर. इन ग्रुप, इन ग्रुप द नेम स्टिल सजेस्ट दैट अ ग्रुप ऑफ विच एन इंडिविजुअल इज ए मेंबर इज रेफर्ड टू एज इन ग्रुप. दिस मीन्स अ मेंबर, एन इंडिविजुअल इज मेंबर ऑफ ग्रुप. दिस मीन्स दैट ग्रुप इज इन ग्रुप दैट फॉर दैट इंडिविजुअल ओनली, नॉट फॉर अदर्स. फॉर एग्जाम्पल वंस ओन ग्रुप, अपना समूह दैट इज इन ग्रुप. The word we is used for in-group members means the member who are members of a group, they use a word we for themselves. So that group is known as in-group for that members only. Now there are some certain characteristics of in-groups. Members are viewed favorably, means the members of that particular group have, they are viewed as with positive traits, they are viewed as favorably and traits are viewed positively.
irrespective of their traits, their all dispositions and traits and qualities are viewed as this positively. This means they possess positive qualities. Next is high respect for members and loyalty towards the group. This means in group, the members display high quality of loyalty to each other and to group also, and they respect members irrespective of their behavior, their traits, their gender, their caste, religion, race, etc. But if they are a member of any particular group, so they have we feeling and they have high respect for members and high cohesion among members. They have most strong bond among each other. That is called high cohesion. The next is इसको एक बार हिंदी में देखिए. अंत समूह, समूह में ये भेद समूह के सदस्य के परिप्रेक्ष्य में किया गया है. आप इसका मतलब ये है कि जो समूह का सदस्य है वो अपने ग्रुप को किस प्रकार देखता है, जिस ग्रुप का वो सदस्य है उस ग्रुप को वो इन ग्रुप मानता है, यानी अंत समूह मानता है, और अपने से दूसरे समूह को वो बाहरी समूह मानता है. व्यक्ति जिस समूह का सदस्य होता है उस समूह को व्यक्ति अंत समूह के रूप में देखता है. अंत समूह के सदस्यों के लिए हम शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी जिस उस समूह के जितने भी सदस्य होते हैं सबके लिए जो शब्द होता है वो यूज होता है हम, यानी हमारा ग्रुप, हम सब एक हैं, हम यानी कि हम बार बार उसका वो इस्तेमाल करते हैं. सदस्यों का अनुकूल रूप से देखा जाता है, वो सदस्य कैसे व्यवहार करें लेकिन उनका आपस में एक दूसरे को अनुकूल रूप से देखते हैं. गुणों को सकारात्मक रूप से देखा जाता है, उनके गुण कैसे भी हो, वो किसी भी धर्म जाति किसी से बिलोंग करते हो लेकिन उनके जो गुण होते हैं वो सकारात्मक रूप से उनको देखा जाता है. समूह और सदस्यों के प्रति वफादारी और उच्च सम्मान पाया जाता है. ये कोई भी बात हो, अगर हमारे एक समूह के सदस्य हैं तो उसके प्रति जो सम्मान होगा उच्च सम्मान होगा और ग्रुप के प्रति पूरी वफादारी होगी और सदस्यों के बीच उच्च स्तर की एकजुटता देखी जाती है. नाउ लेट अस गो फॉर द आउट ग्रुप. अ ग्रुप ऑफ विच एन इंडिविजुअल इज नॉट अ मेंबर, अगर वो किसी दैट इंडिविजुअल इज नॉट अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप, दैट ग्रुप द टर्म इट इज ए आउट ग्रुप इज टू रिफर्ड एज ए आउट ग्रुप दैट इज अदर ग्रुप. द वर्ड दे इज यूज फॉर आउट ग्रुप मेंबर्स. They word is being used for the members who are member of another group. Members are viewed unfavorably. It is very clear. If in group members are viewed favorably, certainly out group members are viewed as unfavorably. Traits are perceived negatively, irrespective of their qualities or traits or dispositions. Their traits are perceived as negative. Sense of competition and opposition among in group and out group members. Yes, there is a member competition and opposition is found between in group and out group members, and members are viewed differently. Means these members of the other group are different from us. That's why they used they. Now let us see ek baar ek hindi mein dekh lete hain. Bahari samuh, vyakti jis samuh ka sadasya nahi hota hai us samay ko samuh ko bahari samuh yani anya samuh ke roop mein jana jata hai. बाहरी समूह के सदस्यों के लिए वे शब्द का प्रयोग होता है, वे लोग उस समूह के सदस्य का प्रयोग किया जाता है. सदस्यों को प्रतिकूल रूप से देखा जाता है, यानी कि वो अच्छे की तरह से ही देखा जाता है, उनको अनफेवरेबली देखा जाता है. उनके जो सदस्य होते हैं उनके गुणों को नकारात्मक माना जाता है, लेकिन उनमें नकारात्मक गुण होंगे ही होंगे, वो सही नहीं है इसलिए उस समूह के सदस्य हैं. प्रतिस्पर्धा और विपक्ष की भावना पाई जाती है. इन ग्रुप और वी ग्रुप के सदस्यों के बीच के अंदर एक कंपटीशन की भावना पाई जाती है. सदस्यों को अलग अलग प्रकार से देखा जाता है. डियर फ्रेंड्स, ये था आज हमारा ग्रुप, उसकी डेफिनेशन और प्रकार. इसके साथ साथ और भी ग्रुप्स होते हैं जो ग्रुप्स विच आर फॉर्म्ड इंस्टेंटली, जैसे भीड़ होती है, और भी अलग अलग जिसके समूह के ग्रुप्स होते हैं, समूह होते पाए जाते हैं. तो हमें केवल इतना ही पढ़ना था. इफ यू वॉन्ट टू स्टडी मोर, आप और भी किताबें रेफर कर सकते हैं. डियर फ्रेंड्स, ये था आज हमारा टॉपिक. थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम. इफ यू एनी डाउट काइंडली ईमेल ऑन मी vamasujit@yahoo.com.